हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई हमारे सामने खड़ी है अभी बलेनो का भाई, ये जो है ना बेसिक मॉडल है। और बेसिक मॉडल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई सिग्मा वेरिएंट है और काफ़ी सारा इसके अंदर काम जो है हुआ है। आप देख सकते हो इसे, टॉप मॉडल वाले फीचर्स जो अलॉय व्हील्स वगैरह जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो रखे हैं। और यहाँ पर लिखवा रखा है ब्राउन बॉय। अब जिसकी ये गाड़ी है, ये भाई सूरज राठौर संडे राइड लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो यूट्यूबर हैं। और भाई गाड़ी देखने में काफ़ी है ना आई कैची बना रखी है भाई ने। और साइड से आपको लुक दिखाऊं एक बार, भाई एक नंबर। तो एक बार है ना भाई को ही बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं क्या क्या उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर जो है करा रखा है। तो एक बार सूरज भाई आ जाओ। तो भाई सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दो अपना। भाई मेरा नाम सूरज राठौर है, बस शौक है अपना, ये तो बनाते रहते हैं गाड़ियाँ। क्या क्या करा रखा भाई आपने इसमें? भाई एक तो ये बेस मॉडल है, तो बेस टू टॉप कन्वर्जन करा रखा है, ग्रिल वगैरह इसकी, और बाहर जैसे जो नहीं आते तो वो लगवा रखे हैं, बाकी मॉडिफिकेशन करा रखी है थोड़ी बहुत। अच्छा, ये जैसा कि मेरे को अलॉयज दिख रहे हैं, तो कितने इंच लगा रखे हैं आपने? भाई ये 16 इंच। 16 इंचेज हैं। तो जैसा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर आप अपसाइज एक लगा लोगे जो अलग नहीं है भाई, ये बलिनो में 16 इंचेस ही आते हैं टॉप मॉडल। अच्छा, कंपनी से ही आते हैं 16 इंच में। इसमें एक चीज है कि मैंने इसकी विड्थ ज्यादा करवा रखी है, चौड़े ज्यादा हैं, तो इसलिए लगता है कि बड़े हैं। तो दिक्कत नहीं आती चलने में कोई? भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया भाई। और ये जो है मिरर वगैरह जैसा ब्लैक करा रखा है आपने? बॉडी कलर में ही आते हैं भाई वैसे, पर ये ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं गाड़ी के लुक के साथ, तो रैप करा। अच्छा, बॉडी कलर आते हैं इसमें बेस मॉडल में? बॉडी कलर आते हैं, थोड़ा देख लो यहाँ से दिख रहा। बिल्कुल भाई, ये देखो बॉडी कलर जो है आते हैं और भाई ने करा रखा है इसे ग्लॉस ब्लैक में, और टिंट विंडोज करा रखे हैं, तो यहाँ इशू नहीं होता कोई? भाई होता तो है, पर सही झेल जाते हैं, तो बढ़िया भाई। और बाकी ब्राउन बॉय लगा रखा है भाई ने पीछे से। ब्राउन बॉय भाई दिल्ली में जो गाड़ियाँ मॉडिफाई कराते हैं ना लोग, तो उनका मतलब एक ये है कि एक टैग सा दे रखा है ब्राउन बॉय नाम का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पीछे क्या क्या करा रखा है भाई? पीछे भाई एक तो पूरी ब्लैक लाइट है, एक स्मोक करवाते हैं लोग, पर स्मोक इस कलर पर मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, पर ब्लैक करवाए तो लग रही थी गाड़ी, हाँ पीछे से थोड़ी सही है। और ये ग्रिल लगवा रखी है और ये वाली भी गार्निश लगवा रखी है इसमें। अच्छा, एक क्रोम की, ये तो टॉप मॉडल में आती है ना? टॉप मॉडल में आती है भाई, ये लगवा रखी है। और ये जैसे आपने ब्लैक करा रखे हैं टेल लैंप्स, तो विजिबिलिटी इश्यूज नहीं होते इसमें? दिन में थोड़े कम दिखता, पर रात में बढ़िया लगती है गाड़ी। रात में बढ़िया लगती है। अच्छा, और भाई ये भाई का चैनल है, जाकर सब्सक्राइब करना, संडे राइड मारते हैं भाई। हैं भाई। और ये भाई साइड में क्या बना रखा है भाई? एक कैरेक्टर है एक मूवी का, आपने कॉन्जरिंग मूवी देखी होगी, उसमें एक वेयरवॉल्फ आता है, उसका करेक्टर है। नहीं एक्चुअली मैंने तो नहीं देखी, बाकी जैसा भी है भाई देखने में गाड़ी है ना बाहर से, कहीं से देख के लगाया था ये, मेरे को अच्छा लगा था। दिल्ली में गाड़ी है एसटीसी नाम की, भैया की गाड़ी है, उसकी गाड़ी, उनकी गाड़ी पे लगा था, वो व्हाइट कलर की थी पहले। अच्छा, नहीं देखने में नो डाउट भाई काफी अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे मेरी गाड़ी पे हो रखा पहले। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट आपका ये गुड़गांव में? और भाई अंदर से क्या क्या करा रखा है? अब अंदर आ जाओ एक बार गाड़ी के। स्टीरियो लगवा रखा है, मैट वगैरह है, मतलब सीट कवर वगैरह बेसिक जो होता है उसे पर करवा रखा है। और सिस्टम वगैरह में कुछ? सिस्टम वगैरह तो चार स्पीकर है नॉर्मल, और एक पीछे बेस ट्यूब लगा रखी है। बेस ट्यूब कौन सी लगा रखी है? बेस ट्यूब भाई वैसे तो क्रैकर्स की थी पहले, पर उसका सब वूफर फूक गया था, जो बीच अंदर का वूफर होता है ना वो फूक गया था, तो उसके अंदर वूफर चेंज करा रखा है, वो किकर्स का है। अच्छा, किकर का है, एक बार खोलना भाई बूट। तो भाई देख सकते हो ये क्रैकर्स की है, इनबिल्ट टेंपल ही है ना बेस ट्यूब? इनबिल्ट टेंपल, पर इसका जो बेस आता है वो तगड़ा आता है, बढ़िया निकाल देती है। बढ़िया। तो भाई अभी अंदर चल के आवाज भी सुनते हैं कैसा जो है रिस्पांस निकल के आता है इसका। अभी है ना गाड़ी के अंदर एंटर कर जाते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या गाड़ी के अंदर हुआ है। एक बार है ना सिस्टम और सुना दो भाई इसका। सुनाते हैं भाई सिस्टम। भाई ऑडियो सुन सकते हो आप? तेरे ऐड ने खा लिया। लास्ट मिनट स्कूल नीड्स, इंडियास लास्ट मिनट ऐप। Thank you.
अंदर घुसते के साथ भाई जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है ना एटमॉस्फेयर लाइट वगैरह लगी हुई है। और ये क्या 70 वाट्स है? हाँ भाई 70 वाट है, 70-80 बोलते हैं वैसे तो इनको, 80 बोलते हैं। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर जो है भाई ने लगा रखा है एक एंड्रॉइड अपना सिम। हाँ, 216 है। और ये इंटीरियर में क्या ये किट विट लगवा रखे कोई? किट नहीं है भाई, ये खुद ही कर रखा है दुकान वाले के साथ मिलकर जो करते हैं ना रैप वगैरह। अच्छा, उनके साथ कुछ दिमाग लगा खुद ही करा था। तो टॉप मॉडल में है ना डबल ड्यूल टोन आता है इंटीरियर इसका, तो इसका पूरा ब्लैक था मैट ब्लैक, तो करते हैं कुछ अलग तो कर दिया। नहीं ये सही में बिल्कुल भाई देखने में है ना काफी आई कैची लग रहा है। और अंदर बैठते के साथ मेरे को फर्स्ट टाइम में जब मैं बैठा ना ऐसा लगा कोई किट लगा रखी है आपने, वो तो अभी पता लगा ये स्टिकर से भाई ने मॉडिफिकेशन कर रखे। भाई दिमाग चाहिए ऐसा काम करने के लिए भाई, कर रखा है जो फील कमी फील होती है ना वो अपना आप ही आ जाता, फिर करना क्या करना है इनका। और भाई ये यहाँ पे कार्बन फाइबर करा रखा है एसी वेंट्स पे। ये क्या ये भी स्टिकर है या फिर रैप है? रैप है ये भी। और यहाँ पे जो है ना ये भी पूरा कार्बन फाइबर करा रखा। तो भाई ये जब ही बलेनो आपने ली थी तो कैसे नई ली थी या फिर यूज में? नई ली थी। कितना टाइम हो गया लिए हुए? 21 में ली थी। डेढ़ साल हो गया। तो दुख तो होता होगा कहीं ना कहीं, अब जो है फेसलिफ्ट आ चुका है। नहीं भाई मुझे उससे अच्छी लगती है। उससे अच्छी ये लगती है वो तो भाई देखो खैर अपना अपना जो है ओपिनियन है। ओपिनियन की बात नहीं है, वो क्या कर दिया कि वो थोड़ी पिचकास ही ली उन्होंने, मतलब उसका साइड मुझे लगता है कि छोटा कर दिया। अच्छा, और भाई उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस थे अगर आप? और भी ऑप्शंस भाई देखो जो मॉडिफाई करता है ना बंदा गाड़ी उसके दिमाग में सबसे पहले गाड़ी हिट होती है एक पोलो। पोलो आती थी उस टाइम पे? उस टाइम पे पोलो बंद हो चुकी थी। तो फिर मैं लेने गया था स्विफ्ट, तो मेरे को गाड़ी चाहिए थी ऑन द स्पॉट उसी दिन, तो पर वो मिली नहीं, फिर ये मिल गई बेस मॉडल तो हम ये उठा लाए। तो भाई कितनी चला दी गाड़ी? 23,000 किलोमीटर चलाई। 23,000। और सर्विस कॉस्ट क्या जाती है इसकी? जैसे कि कॉस्ट भाई कंपनी में करवाई थी तो लास्ट टाइम करवाई थी उसकी आई थी 9,000 रुपए। 9,000 रुपए बलेनो के लिए? ऐसा क्या कर दिया? महंगी कर दी। और उसके बाद जो सर्विस देखी थी ना मैंने उनकी बहुत बेकार थी, तो जब लास्ट टाइम मैंने सर्विस करवाने ले गया तो इसका ना एयर फिल्टर चेंज करा था कभी इन्होंने, ना इसका इंजन ऑयल चेंज करा था, पर कहते थे कि कर दिया और बिल में जोड़ देते। अरे नहीं भाई वो कहते हैं कि हमने चेंज कर दिया पर करा नहीं था उन्होंने। फिर अभी मैं बाहर से सर्विस करवाई है इसकी, एक नंबर सर्विस हुई है इसकी। मतलब आप भी आफ्टर मार्केट पे चले गए? तो परेशान हो गया भाई। वारंटी वगैरह कुछ नहीं ली थी? वारंटी ली थी भाई, पर फिर क्या करे जब काम नहीं मिल रहा तो वारंटी का क्या कर लेंगे। अच्छा, वैसे ही अगर वो ये सब चीजें देखते हैं तो बोल देते हैं वारंटी नहीं है। और भाई ये क्या लगा रखा है बम्पर पे? बम्पर पे भाई ये क्लिप्स आती है, बम्पर गिर जाता है मारुति का बहुत जल्दी। अच्छा, तो मतलब ये आपने प्रैक्टिकल लगा रखा है, प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन है, गिरा हुआ बम्पर था इसलिए लगाया है? नहीं मतलब अच्छे भी लगते हैं, स्पोर्टी लुक देते हैं गाड़ी को। हाँ स्पोर्टी लुक तो भाई देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, पर ये काम के भी बहुत है। अच्छा, अब कॉस्टिंग की बात करें अगर तो क्या कॉस्ट पड़ गई थी भाई आपको ओवरऑल, मतलब कितना पैसा आप गाड़ी पे लगा चुके हो? भाई बैक तो बेस टू टॉप की सारी किट वगैरह लगा के तो लग गए भाई 160 के कुछ करीब लग गए। 160 के आसपास लग गए। अलॉयज क्या कॉस्ट करे थे? अलॉयज भाई 60,000। 60,000 रुपए विद टायर्स। क्या कह रहे हो भाई? भाई ये यहाँ पे इंडिकेटर देती है, वो बेस मॉडल में यहाँ इंडिकेटर आता, तो इंडिकेटर आया तो होल आ गया। अच्छा, तो हमने फिर 3D लोगो लगा दिया इससे। ये क्या ट्रांसफार्मर है? हाँ। देख लो भाई, मतलब है ना दिमाग लगा के बंदा जो है बेस टू टॉप बना सकता है कम पैसों के अंदर। इसको बहुत लोगों ने है ना देख के बहुत लोगों ने भी लगाया। हाँ बहुत लोगों ने कॉपी करा है। अच्छा फिर इंडिकेटर कहाँ गया साइड का? इंडिकेटर हटा दिया। हटाई दिया, सही है, आगे पीछे की जरूरत होती है। लेकिन जो आगे से हेडलाइट्स भी जो है आपने रैप कर रखी है ब्लैक। ये हाइलाइट्स कहते हैं इनको, हाइलाइट करवा रखा है और हेडलाइट का काम बहुत जल्दी होगा इसमें अब। तो कैसे टॉप मॉडल वाली लगाओगे या फिर टॉप मॉडल ना डायमंड आई के साथ प्रोजेक्टर होंगे, HID होगी, DRL होगा, मतलब मजा आने वाला है। और एक वीडियो और आने वाली है, हैं? हाँ भाई। भाई जैसा कि एक हैचबैक कार है तो लॉन्गेस्ट ट्रिप इससे कौन सा मारा है आपने? देहरादून मसूरी का हिल्स में ले गए थे, यानी कि हिल्स में बंदा प्रेफर करता है कि SUV टाइप गाड़ियां हैं उनको ज्यादा लेके जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ ऐसा सीन नहीं है कि लद्दाख वगैरह रोड एकदम मक्खन है, बढ़िया चलती है। तो ऑफ रोड नहीं है वहाँ पे? ऑफ रोड नहीं है, बिल्कुल हाईवे जैसे रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफॉर्म कैसा करा था गाड़ी ने? एक नंबर। मजा आया? मैं लेके गया था वैसे। अच्छा अलॉय में लेके गए थे। तो भाई देख लो, मतलब है ना एक तो शौक की कोई कीमत नहीं होती, और जरूरी नहीं है कि आप है ना कि हाईली, मतलब जो हाई कॉस्ट की आइटम्स होती हैं वही लगाओ, अगर छोटी छोटी प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशंस करोगे। नहीं भाई बहुत सस्ता काम करा रखा मैंने और बढ़िया काम है, यूं नहीं है कि काम चला हुआ है।
मतलब कम पैसों में गाड़ी तगड़ी तैयार रखी है। कम पैसों में भाई सही में बहुत तगड़ी तैयार रखी है, और इंस्टाग्राम पे जो है धमाका मचा रखा है गाड़ी ने। तो भाई की टूट जाए वो तो। हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी आप देख सकते हो भाई की, जाकर भाई फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भाई। गाड़ी की आईडी मेरी। अच्छा, गाड़ी की आईडी है भाई। क्या बता रहे हो पावर विंडो का आप? मतलब कंपनी के पैकेज में लिया था मैंने सारा, जब बेस टू टॉप करवाई थी ना, तो ये क्रोम गार्निश हुई है ये सारा। नहीं, इसमें आप बता रहे हो पीछे पावर विंडो नहीं आती। पावर विंडो नहीं आती, डंडी आती है घुमाने वाली, डंडी आती है घुमाने वाली। लेकिन आगे जो बटन दे रखे थे वो चारों दे रखे थे। बलेनो की ये बात अच्छी थी कि इन्होंने वो दे रखा था आगे, चारों विंडो के कंट्रोल दे रखे थे, चारों विंडो के कंट्रोल आगे दे रखे थे और पावर विंडो दो ही थी। हाँ। देख लो भाई ऐसे भी करती है। और ये भाई ये क्या रखा हुआ है? निकाल ही लो इसे। क्या है ये? कुछ तो है भाई, क्या यूज क्या है इसका? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो भाई कोई नहीं, प्राइवेसी इश्यूज है। तो भाई गाड़ी एक नंबर में सही में जहर लग रही है। और भाई कमेंट सेक्शन में बता देना कैसी लग रही है। जो लड़कियां वो स्पीकर से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा भाई ने मतलब जो है स्टिकर से लड़कियां बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, तो इसके लिए करा रहा हूं। देख लो भाई ये स्टिकर लगवा लो, रिलैक्स बेब्स। तो भाई कैसी लगी आपको ये बलेनो की मॉडिफिकेशन छोटी सी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही भाई के चैनल को भी कर लेना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।